जीवम जीवम दपम जिण वर बस हेण जिण दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम शव्यदा शिरसा द्रव संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य निमिचंद भगवान द्वारा यह लिखा गया है इसमें अंठावन गाथा हैं प्राकृत इसकी भाषा है छह द्रव्य सात तत्व नौ पदार्थ पंचास्ती काय मोक्ष मार्ग और ध्यान का वर्णन है हम सब लोग जो है इसमें अरहंत भगवान के स्वरूप को समझ रहे थे गाथा नंबर थी पचास नठ चुघाई कम्बो दंसण नाण वीर वीर मैयो दंशण सुहनाण वीरिय मैयो सुदेहत्थो अप्पा अरिहो विचिंतित जो जो चार कर्मों को नष्ट करके दर्शन ज्ञान आदि को जिन्होंने प्राप्त किया और सुदेहत्थों जो शुभदेह सु में अर्थात शुभ देह में जो इस होते हैं देखिए देह तो चार गति में रहने वाले सभी जीवों की होती है जैसे देव और नारकी हैं तो उनका वैक्रिक शरीर होता है मनुष्य और जो त्रियंश हैं उनका औदारिक शरीर होता है ये मनुष्य अवस्था में जो हमारे तीर्थंकर या अरहंत भगवान होते हैं वो उनकी गति तो मनुष्य गति का ही उदय चल रहा है और आयु भी मनुष्य आयु का ही उदय चल रहा है तो शरीर तो औदारिक ही है पर औदारिक में भी शुभ शरीर है जिसे परम औदारिक शरीर कहते हैं औदारिक शरीर जैसे अपना मनुष्य का औदारिक शरीर है तो इसमें धातुएं उपधातुएं होती हैं मांस है मज्जा है मेद है ठीक है खून है रक्त जो इसे बोलते हैं अपन हड्डी है आदि मल मूत्र है नख हैं केश हैं ये सब इसमें है ना शरीर में तो ये बहुत सारी अंदर जो है धातुएं और उपधातुएं भी होती हैं सप्त धातु सप्त उपधातु ये होती हैं तो ये औदारिक शरीर में मनुष्यों के सामान्य रूप से पाई जाती है ठीक है लेकिन जो केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं अर्थात अनंत चतुष्टय को प्राप्त हो जाते हैं अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख और अनंत वीर ये जो अनंत चतुष्टय हैं को जो प्राप्त होने वाली जो आत्मा हैं उनका जो शरीर है वो इन मल, मूत्र आदि धातुओं से रहित हो जाता है मतलब कि एक स्फुटिक की तरह जो है वो शरीर हो जाता है जैसे कि कोई क्रिस्टल है तो आप क्रिस्टल को यहाँ रख दो क्रिस्टल की कोई मूर्ति बनाओ क्रिस्टल की मूर्ति बना के यहाँ रख दो उसे आर पार देख सकते हो और उसमें कोई अंदर किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी बिल्कुल साफ़ सुथरा ऐसे ही क्रिस्टल की मूर्ति की तरह उन अरहंत भगवान का शरीर हो जाता है बिल्कुल उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की जो है जो वस्तुएं हैं जो हड्डी है मांस है जो है ये खून है आदि इस प्रकार का नहीं वो उसका परि परिणमन क्रिस्टल में हो जाएगा स्पटिक मणि की तरह हो जाएगा ऐसा शुद्ध शरीर हो जाएगा इसलिए यहाँ पर लिखा है सुह देहत्थो कैसा शरीर है सुह दे शुभ शुद्ध जिनका देह है ऐसे देह में जो स्थित आत्मा है और उस आत्मा वह आत्मा भी कैसी है शुद्धो एक तो शरीर भी शुद्ध हो गया और आत्मा भी शुद्ध है क्या चमत्कार है क्या है है आत्मा जितनी जितनी शुद्ध होती जाती है, तो उसके से शरीर भी उतना उतना शुद्ध होते जाता है आपके मुनिराज महाव्रतों का पालन करते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं रत्नात्रय का पालन करते हैं तो उनकी आत्मा के कारण उनके व्रतों के कारण वह शरीर भी शुद्ध होने लगता है स्वभाव तो सुचिकाए रत्ना त्रय पवित्रते स्वभाव से शरीर मलिन है, लेकिन रत्ना त्रय के कारण ये शरीर भी पूर्ज हो जाता है कभी आप देखते हो महाराज जी के शरीर से दुर्गंध आ रही हो बदबू आ रही हो ऐसा नहीं होता है उनके अपने ध्यान से अपनी साधना से शरीर से भी बदबू आदि नहीं आती सामान्य लोग क्रीम पाउडर और ये डिओ परफ्यूम इत्र सेंट क्या क्या लगाते हैं बदबू को दूर करने के लिए क्योंकि कुछ भी खाते हैं कुछ भी पीते हैं और ध्यान आदि कुछ करते नहीं हैं साधना कुछ करते नहीं हैं मुनिराजों के चेहरों में चमक होती है सुंदरता होती है तेज होता है ओज होता है ये किससे होता है ये ओज और तेज कैसे बढ़ता है शरीर का वो शरीर को में ओज और तेज लाने के लिए साधना नहीं करते अपनी आत्म साधना करते हैं अपनी कषायों को शांत करते हैं इंद्रियों का दमन करते हैं उपवास व्रत करते हैं काशन करते हैं ये जो चीज़ है इसके कारण ही जो है शरीर में शुद्धता आ जाती है और कहाँ वो अरहंत परमात्मा जिन्होंने तो चार कर्मों को नष्ट कर दिया कितनी शुद्ध और प्योर आत्मा हो गई जिनका भाव मोक्ष हो गया है द्रव मोक्ष नहीं भाव मोक्ष हो गया है ऐसी भाव मोक्ष वाली आत्मा का शरीर कैसे हो जाएगा आप बताइए अब वो आत्मा जो है किसी प्रकार का बाह्य पदार्थ को ग्रहण नहीं करेगी मतलब भोजन को पानी को इसे ग्रहण नहीं करेगी जब तक वो उनको शरीर रहेगा तब तक वो शरीर जो है इनको ग्रहण नहीं करेगी बाहर से नो कर्मा आहार होगा उनका क्या होगा अब कबलाहार नहीं होगा अरहंत भगवान कबलाहारी नहीं होते हैं कबल मतलब ग्रास भोजन भोजन का आहार उनका नहीं होगा अब आहार उनका कौन सा होगा नोकर्माहार कौन सा आहार कहलाता है हमारा भी कर्म आहार होता है लेकिन हमारा कबला हार के बिना ये शरीर नहीं रह सकता लेकिन अरहंत भगवान का कबला हार की जरूरत नहीं है नोकर्माहार वो नो कर्म जो इस इस, इस, इस शरीर होता है तीन शरीर छह पर्याप्ति को नो कर्म कहते हैं ये नोकर्म शरीर है और इस शरीर के लिए योग जो भी परमाणु हैं जो भी वर्गनाएं हैं उनको वो प्रति समय क्या है ग्रहण करते हैं अर्थात वो प्रति समय आते रहते हैं और शरीर को उस शुद्ध रूप भी बना करके रखते हैं मतलब कि शुद्ध परमाणु यही शांतराग रुचि भी परमाणु हे hey प्रभु आपका जो शरीर है जो संसार में जितने ही शांत रूप परमाणु थे उनसे निष्पन्न है उससे बना हुआ है ऐसी उपमा दी इतने ही परमाणु थे जितने परमाणु से आपका शरीर बना है वो परमाणु कैसे थे शांत भाव वाले अशांति वाले नहीं थे तो ऐसे भी परमाणु होते हैं ऐसी वर्गनाएँ होती हैं तो वो शुद्ध शरीर हो गया आत्मा की साधना के प्रभाव से शरीर की भी शुद्धता होती है ये बात ध्यान रखना यही बात यहाँ अरहंत भवन की कहा जा रहा है ऐसी शुद्ध आत्मा को विचिंत जो ध्यान करना चाहिए वो हमारे ध्यान करने के योग्य हैं तो आप अपने ध्यान में इस प्रकार से ला सकते हैं मंदिरों में जो हम प्रतिमाओं को विराजमान करते हैं उन प्रतिमाओं का भी हम ध्यान कर सकते हैं उसे हम रूपस्थ ध्यान कहेंगे कौन सा ध्यान कहेंगे रूपस्थ ध्यान एक होता है पदस्थ ध्यान दूसरा होता है रूपस्थ ध्यान तीसरा होता है पिंडस्थ ध्यान और चौथा ध्यान होता है रूपातीत ध्यान ये चार प्रकार के ध्यान होते हैं पदस्थ है। पदस्थ ध्यान तो अपन ने कर ही लिया जो अपन ने मंत्रों की बात की थी ना पैंतीस अक्षर का सोलह अक्षर का उनका अपन जप करते हैं ध्यान करते हैं तो वो हमारे पदस्थ ध्यान कहलाएंगे लाएंगे मंत्र वाक्य स्तंभ जो मंत्र आदि का उच्चारण है या उसका ध्यान है वो पदस्थ ध्यान है रूपस्थ ध्यान रूप का ध्यान करना जैसे अरहंत भगवान हैं उनकी प्रतिमा का ध्यान करना ये रूपस्थ ध्यान है समो में विराजमान प्रतिमा भगवान हैं, उनके रूप का ध्यान करना ये रूपस्थ ध्यान है रूपस्थ ध्यान है पिंडस्थ ध्यान स्वयं ही अरहंत की भावना भानक में अरहंत भगवान हूँ मैं भी ऐसे समो में कमल के ऊपर बैठा हुआ हूँ अपने में ही अरहंत भगवान की कल्पना करना धारणा करना ये पिंडस्थ ध्यान है पिंड अपने को उस पिंड रूप बना लेना ये पिंडस्थ ध्यान है और इसके बाद जो ध्यान आता है रूपातीत अब ये पिंड से भी हट करके शरीर से भी अलग होकर के मात्र एक आत्मा जैसे सिद्ध परमात्मा है ना ऐसे सिद्ध परमात्मा का ध्यान रूपातीत ध्यान अपने को ही सिद्ध स्वरूप मान लेना शरीर से रहित बिल्कुल आत्म का ही ध्यान करना और आत्मा ही बची शरीर भी नहीं बचा ऐसा जो ध्यान है वो रूपातीत ध्यान कहलाता है अभी हम अरहंत भगवान में यहाँ पर कौन सा ध्यान कर रहे हैं ना तो पिंडस्त ना तो रूपातीत और ना ही पदस्थ कौन सा रूपस्थ ध्यान कर रहे हैं अरहंत भगवान में आप देखिए जो आ, चार जो है इसमें अक्षर होते हैं और अरिहंत पहला शब्द तो अरिहंत मतलब बोलते हैं शत्रु को चार कर्मी हमारे शत्रु थे तो उन चार रूप शत्रु को जिन्होंने हंत क्या कर दिया है नष्ट कर दिया है नष्ट कर दिया है इसलिए वो अरहंत भगवान कहलाते, कहलाते हैं अरिहंत भगवान कहलाते हैं अरहंत और अरिहंत दो शब्द शास्त्रों में पढ़ने को मिलते हैं जहाँ जहाँ अरहंत शब्द आए वहाँ पर तीर्थंकर अरिहंत लगाना और जहाँ जहाँ अरिहंत आए वहाँ पर तीर्थंकर भी और सामान्य जो अरहंत हैं उनको भी उसमें जोड़ लेना ठीक है ना जो पंच कल्याणक से संपन्न हुए थे उनको अपन अरहंत में ले जाएंगे और जिनके पंच कल्याणक नहीं बने जिनका मोक्ष कल्याण की केवल कल्याण की मना मत दो कल्याणक मने उन्हें अरिहंत लगा लेंगे तो जिन्होंने चार कर्म को नष्ट किया वो अरिहंत हैं जो तीर्थंकर हैं वो अरहंत भी हैं और अरिहंत भी हैं लेकिन जो सामान्य केवली हैं वो सिर्फ अरिहंत हैं अरहंत नहीं हैं और भी जगह अपन को पढ़ने को मिलेगा जैसे आ, आ मतलब अपन ने तो अरी लगा लिया मोहनी कर्म तो शत्रु कौन है वो मोहनी कर्म है रा रा मतलब रज बोलेंगे ना अरी रज रस विहीन अरी रज रस विहीन ऐसा बोला जाएगा तो अरी मतलब मोहनी कर्म को लगा लेंगे ठीक है रज किसको लगा लेंगे जो अपन को आवरण करता है धूल तो ज्ञाना और दर्शना ये रज कर्म है और रहस्य रहस्य कर्म लगाएंगे इसमें अंतराय कर्म को अंतराय कर्म जो छुपा हुआ है कब उदय में आ जाए पता नहीं चलता वो रहस्य अंतराय कर्म इस प्रकार से मोहिनी कर्म ज्ञाना वर्ण्य अंतराय इन चारों कर्मों को नष्ट करके जो बनते हैं वो अरिहंत भगवान कहलाते हैं इस प्रकार यहाँ पर अरिहंत भगवान के स्वरूप को कहा अब सिद्ध भगवान का क्या स्वरूप है तो आचार्य भगवान गाथा नंबर इंक्यावन बता रहे हैं सिद्ध भगवान सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप आइए बोर्ड के माध्यम से सिद्ध भगवान का स्वरूप जो रूप गाथा जो है उसका उच्चारण करते हैं और उसके अर्थ को भी समझते हैं द्रव्य संग्रह गाथा नंबर इंक्यावन उच्चारण करेंगे नट थथ। नट थथ। नट ठठ कम्म देहो लोया लोयस्स लोयस्स जानो दठ्ठा दठ्ठा पुरिसा यारो पुरिसा यारो अप्पा अप्पा सिद्धो सिद्धो झायेह झायेह सिहि लोए लोय रथो फिर देखिए यहाँ पर अच्छे से करिए तक लीजिए पहले नट फिर लीजिए ठठ 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 नट ठठ कम देहो लोया लोयस जानो दठ पुरिसा यारो अपा सिद्धो झाय लोह सिहि रथो ये उच्चारण हुआ पूरा उच्चारण जो है अपन करते हैं नठकम देहो लोया या लो जानो दठा दठ्ठा पुरी अप्पा सिद्धो जाये रथो ये यहाँ पर गाथा का उच्चारण हुआ अब गाथा का अर्थ लगाते हैं नठठ अब देखिए संधि लिख लीजिए नठ प्लस इस निकलेगा अट्ठ यहाँ पर आ दिख नहीं रहा आपको पर ये आ इसमें जाकर के जो है स्वर पर स्वर का लोप हो जाता है ये में रूल चल जाता है एक स्वर सामने हो एक स्वर उसके पीछे हो आमने सामने स्वर हो तो स्वर जो है एक स्वर को देख के लोप हो जाता है तो नठ प्लस निकलेगा अठ ठीक है ना? नष्ट कर दिए हैं अठ मतलब आठ कम मतलब कर्म आठ कर्म जिन्होंने क्या कर दिए हैं नष्ट कर दिए हैं नष्ट हो गए हैं आठ कर्म और देहो जिसके शरीर कर्म भी और देह मतलब देह नोकर्म नोकर्म भी क्या हो गया है नष्ट हो गया है कर्म भी नष्ट हो गया है और देह मतलब देह भी तो नोकर्म भी नष्ट हो गया है लोया लोयस् लोया यहाँ से निकली लो प्लस निकलेगा आलोक लोक और आलोक ये आ है ना ये पूरा गाथा में एक साथ है लोया लोयस ऐसा पूरा शब्द है लोक और आलोक को जानो जानने वाले दट्ठा देखने वाले जानने वाले हैं और देखने वाले हैं पुरुषायारो पुरुष प्लस आयार आयार मतलब आकार पुरुष मतलब पुरुष पुरुष का जो आकार है वैसा अपा आत्मा है तो सिद्ध भगवान कैसे हैं पुरुषायारो पुरुषाकार हैं? ऐसी अपा आत्मा सिद्धो सिद्ध है ऐसी आत्मा सिद्ध है जिसको झाए ध्यान करो कहाँ पर है आत्मा यह लोह सिंह रथो लोह मतलब लोक के सि रथो शिखर सिंह रथो सिहर मतलब शिखर शिखर में स्थ है शिखर मतलब लोक का शिखर कौन हो गया सिद्धालय के ऊपर वहां पर यह आत्मा सिद्ध भगवान जो है विराजमान हैं ये गाथा का अर्थ हुआ गाथा का देखते हैं यहाँ पर नठ कम देहो नष्ट हो, हो गए हैं अष्ट कर्म और शरीर जिसके लोया लोयस लोक और अलोक को जानो दठ्ठा जानने देखने वाली पुरुषायारो जिस पुरुष देह से मोक्ष हुआ है उस पुरुष के आकार वाली अपा आत्मा सिद्ध हो सिद्ध परमिष्टि कहलाती है लोह सिहरथो ऐसे लोक के शिखर पर स्थित सिद्ध परमिष्टि का झाए ध्यान करो यह गाथा में सिद्ध भगवान कैसे हैं उनका क्या स्वरूप है उसके बारे में बताया है और उनके स्वरूप को जान करके उनके स्वरूप का हमें ध्यान करना है इसका विशेष व्याख्यान जो है अपन कल करेंगे क्योंकि तो आज समय हो चुका है ठीक है सब तैयार रहेंगे सिद्ध भगवानों की आराधना करने के लिए वाणी के ज्ञान लो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो सदा देत सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद